स्टोरी की शुरुआत होती है ईयर 1946 सोवियत यूनियन में, जहां हम ये देखते हैं कि कुछ शैतान बच्चे एक लड़के को दौड़ा रहे होते हैं उसे पीटने के लिए। वहां एक यंग लड़की स्वेतलाना नाम की आती है और उस बच्चे को बचाती है। बाद में वो उस बच्चे से पूछेगी, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो लड़का ये कहेगा कि वो अपने लिए कहें तो डरा हुआ नहीं था, बल्कि उन बुलीज की, यानी वो लड़के जो उसे मारना चाह रहे थे, उनकी सेफ्टी के लिए डरा हुआ था। स्वेतलाना को यह बात समझ में नहीं आएगी, वो कहेगी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो लड़का स्वेतलाना को अपनी पावर दिखाएगा, अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वहाँ पे खड़े एक ट्रैक्टर को उठा के। और वो स्वेतलाना को यह भी बताएगा कि उसके पास उड़ने की एबिलिटी है। स्वेतलाना उस लड़के की यह सब पावर देख के कहे तो बहुत ज़्यादा चौंक जाएगी और से कहेगी, तुम्हें यह पावर सोवियत यूनियन यानी गवर्नमेंट को दे देने चाहिए, ताकि पावर हमारे देश के काम आ सके। लगभग एक दशक के बाद, साल 1955, सोवियत यूनियन एक प्रोपोगेंडा मूवी रिलीज करता है अंडर द कमांड ऑफ जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो सच में एक कहें तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर थे, जो सोवियत यूनियन के लीडर थे। तो उस टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, यानी दोनों ही कंट्रीज अपने अपने न्यू एडवांस्ड वेपन्स को दिखाते थे, तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म उसी के बारे में रिलीज की गई थी। और एक सोवियत सुपरमैन यानी कि एक एलियन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको सोवियत यूनियन शोकेस करता है। अब ये वीडियो देखने के बाद जो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो थोड़ा घबरा जाती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेक्स लुथौर को कॉन्टैक्ट करते हैं। लेक्स लुथौर कहें तो एक बहुत ही अमीर शख्स है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन यानी एक अल्टरनेट अर्थ पे रखी गई है। तो इसलिए इसमें हम ये देखते हैं कि लेक्स लुथौर जो है वो लुईस लेन का हस्बैंड है। लुईस लेन इसमें भी कहें तो डेली प्लैनेट में काम करती है, लेकिन इसमें जो सुपरमैन है वो हमारा रशिया में पैदा हुआ है। बहरहाल स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम ये देखते हैं कि एक सेटेलाइट कहें तो मेट्रोपोलिस शहर में क्रैश होने वाला होता है, लेकिन हमारा रशियन सुपरमैन यानी सोवियत सुपरमैन आके उस मिसाइल को रोक देता है ताकि वो शहर पे ना गिरने पाए और शहर को बचा लेता है। वो लोगों से कहता है कि आपको मुझसे डरने की कोई बात नहीं है, सोवियत यूनियन यानी कि हमारा जो कंट्री है वो शांति प्रिय देश है, आपको हमारे खिलाफ भड़काया गया है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं लोगों के साथ अच्छा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर लुईस लेन कहेगी, अगर तुम सच में अच्छे इंसान हो तो क्यों ना मुझे एक इंटरव्यू दो। तो लुईस लेन और सुपरमैन का इंटरव्यू होगा और लुईस लेन सुपरमैन से कहेगी, तुम अपने मुल्क की तारीफ करते रहते हो कि तुम्हारा मुल्क बहुत अच्छा है और हमारे मुल्क की बुराई करते रहते हो, लेकिन रियलिटी यह है कि जितनी गलतियां अमेरिका ने की हैं, हमारी कंट्री ने की हैं, उससे इतनी ही गलतियां कहें तो सोवियत यूनियन ने भी की हैं। यहाँ पे लुईस लेन एक क्लासिफाइड फाइल्स देगी सोवियत सुपरमैन को और कहेगी, इस फाइल में गुलग जो थे वो एक कहें तो कंसंट्रेशन कैंप्स थे अंडरग्राउंड, जो सोवियत यूनियन चलाता था, जहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता था और उनसे सारी ज़िंदगी बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। सुपरमैन उन फाइल को देख के चौंक जाएगा और ये शौक हो जाएगा कि उसके नाक के नीचे कैसे जोसेफ स्टालिन ये गुलग जैसे कंसंट्रेशन कैंप चला रहे हैं। अब सुपरमैन उन्हीं लोकेशन पर जाएगा गुलग की। अब सुपरमैन के पास तो एक्सरे विजन है, लेकिन वो कभी इन कंसंट्रेशन कैंप्स को इसलिए नहीं ढूंढ पाया क्योंकि इन कंसंट्रेशन कैंप को लेड से ढका गया था ताकि सुपरमैन का एक्सरे विजन इसके आर पार ना जा पाए। अब जब सुपरमैन वहाँ जाएगा उस कंसंट्रेशन कैंप में, तो वहाँ पे उसे स्वेतलाना भी मिलेगी, जिसे इसलिए केवल वहाँ पकड़ के रखा गया होता है क्योंकि वो सुपरमैन की असली आइडेंटिटी जानती होती है। सुपरमैन उन सबको बाहर निकाल के लाएगा, लेकिन स्वेतलाना वहीं उसके हाथों में दम तोड़ देगी। सुपरमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो जोसेफ स्टालिन के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि आपने आखिर मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। तो जोसेफ स्टालिन ने कहा कि अगर दुनिया को अच्छा करने के लिए कुछ लोग मरते हैं तो उन्हें मरने दो। सुपरमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और वो अपने हीट विजन से कहें तो जोसेफ स्टालिन को मार देगा और खुद सोवियत यूनियन का टेक ओवर कर लेगा। स्टोरी आगे बढ़ती है तो हम ये देखते हैं सुपरमैन प्रिंसेस डायना का जो आइलैंड है थर्मिशिया, उससे कहें तो एक अलायंस और क्लोज फ्रेंडशिप बिल्डअप कर लेता है और उन लोग का ये प्लान होता है कि वो सारी दुनिया में अच्छा ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स फैलाएंगे। दूसरी तरफ लेक्स लुथौर का एक्सपेरिमेंट जारी है और वो कहें तो सुपरमैन की ही तरह पावरफुल एक क्लोन बनाएगा जिसको वो नाम देगा सुपीरियर मैन। और सुपीरियर मैन जो होगा, इसकी जो बनाता है वो सुपरमैन के सेल्स टिश्यूज के थ्रू बनाता है और उसको लड़ने के लिए भेज देगा सुपरमैन के साथ,
यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन जो सुपीरियर सुपरमैन होगा वो कहे तो शुरू में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, तो लेक्स लुथोर उसकी पावर को बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, जिससे जो क्लोन होगा वो ओवरलोड हो जाएगा और कहे तो वो खुद ही अपने आप मर जाएगा। सुपरमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा कि कैसे लुथोर इतना गिर सकता है कि एक क्लोन बना के और उसकी जान लेना चाहता है। स्टोरी आगे बढ़ती है ईयर 1967 में, जहां हम देखते हैं ब्रेनियक नाम का एक साइबॉर्ग एलियन धरती पे हमला करता है। अब ब्रेनियक जो है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके पास, और उसको ये धुन चढ़ी हुई है कि वो प्लैनेट्स को कहें तो सिकोड़ के कहें तो मिनिएचर्स में बदल देता है, यानी उन्हें इतना छोटा कर देता है और उन्हें एज अ शोपीस रखता है। तो वो स्टेलिनगार्ड नाम के शहर को भी श्रिंक कर देता है, पूरे सोवियत यूनियन को श्रिंक करने जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो सुपरमैन होगा वो ब्रेनियक से लड़ेगा और उसे डिफीट कर देगा। लेकिन वो ये देखेगा ब्रेनियक की जो टेक्नोलॉजी है ये मेरे काम आ सकती है, तो ब्रेनियक को क्या करेगा, दोबारा रीप्रोग्राम कर लेगा और उसकी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी सोवियत यूनियन के रिबल्स होते हैं यानी विद्रोही होते हैं और जो सुपरमैन के रूल के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, उनके ब्रेन को रीप्रोग्राम करके उन्हें शरीफ करने की कोशिश करता है। अब यहीं पे एंट्री होती है बैटमैन की, क्योंकि ये अल्टरनेट टाइमलाइन में स्टोरी है इसलिए बैटमैन इसमें कहें तो एक टेररिस्ट है जो सोवियत सुपरमैन के अगेंस्ट अपनी आर्मी बना रहा है, क्योंकि बैटमैन जो था बचपन में वो भी एक गुलग यानी कि कंसंट्रेशन कैंप में था, और वो इसके लिए जिम्मेदार मानता है सुपरमैन को कि सुपरमैन इतना ज़्यादा पावरफुल था, वो चीज़ों के आर पार देख सकता है, तो मुझे बचाने और मेरी फैमिली को बचाने क्यों नहीं आया। देखेंगे कि जो बैटमैन होगा वो वंडर वुमेन को किडनैप कर लेगा और उसे बांध देगा उसी के लैसो ऑफ ट्रुथ से यानी उसकी उस रोप से, और उसे बचाने के लिए सुपरमैन को वहां आना पड़ेगा। अब जो बैटमैन है उसको लेक्स लुथोर ने कुछ ऐसे लैंप्स दिए होते हैं जिनसे क्रिप्टॉन के रेड सन की लाइट पैदा की जा सकती है। अब जैसे ही सुपरमैन वहां पे आएगा वो उन लैंप्स को ऑन कर देगा बैटमैन, जिसकी वजह से सुपरमैन कमजोर पड़ जाएगा। अब क्योंकि उसकी पूरी एनर्जी चली जाएगी इसलिए जो बैटमैन होगा वो सुपरमैन को पीट के कहें तो वहीं पे कैद कर देगा अंडरग्राउंड और कहेगा तुम यहीं पे सड़ सड़ के मरोगे। अब वंडर वुमेन से ये नहीं देखा जाएगा कि कहें तो सुपरमैन को बैटमैन बुरी तरीके से मार रहा है, तो वंडर वुमेन जो होगी अपनी जो लैसो ऑफ ट्रूथ होगी उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से वो जनरेटर जिससे रेड सन को एनर्जी मिल रही होती वो जनरेटर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और सुपरमैन बच जाएगा। लेकिन इससे पहले कि सुपरमैन बैटमैन को पकड़ पाता, बैटमैन अपनी बॉडी के अंदर छुपाए हुए एक बॉम्ब को डिटोनेट कर देता है और खुद मर जाता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स में हम ये देखते हैं कि लूथर जो है वो प्रेसिडेंट बन चुका है और उसको एक एलियन शिप मिली है जो यूनाइटेड स्टेट में क्रैश हुई है, जो एक ग्रीन लैंटर्न है एबिनसुर। अब उसकी जो रिंग है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है, तो वो हेल जॉर्डन जो एक पायलट होगा एयरफोर्स का उससे कहेगा कि इस रिंग की एनर्जी को हम हार्वेस्ट करेंगे यानी कि इसको निकालेंगे और तुम्हारी एक स्क्वाड बनाएंगे ताकि तुम सुपरमैन के ऊपर टेक डाउन कर सको। तो वो लोग अपनी कॉप्स बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्रीन लैंटर्न कॉप्स और वो अटैक करेंगे सुपरमैन के ऊपर। यहाँ पे बहुत तगड़ा बैटल होगा लेकिन यहाँ पे वंडर वुमेन आके उस बैटल को रोक लेगी और कहेगी ये तुम जंग कर रहे हो, जो आदमी जंग करते हो आदमी आपस में लड़ते हो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, केवल लोगों का नुकसान होता है, बेगुनाह लोग मरते हैं, इसलिए थर्मेशिया यानी कि मेरा जो आइलैंड है अब वहाँ पे मेंस की एंट्री बंद है और जितने भी हम लोगों ने अलायंस किए हैं इंसानों के साथ मर्दों के साथ वो अलायंस हम बंद करते हैं। अब ब्रेनियाक जो होगा वो सुपरमैन से ये कहेगा, हम जानते हैं ब्रेनियाक को सुपरमैन ने रीप्रोग्राम कर दिया और ब्रेनियाक अब सुपरमैन के लिए काम करता है, तो ब्रेनियाक सुपरमैन से ये कहेगा कि ये जो झमेला चल रहा है पूरी दुनिया में लड़ाई झगड़ा, इसको रोकने का केवल एक तरीका है, आप डायरेक्ट हमला कर दीजिए अमेरिका पे, व्हाइट हाउस पे कब्जा कर लीजिए और लेक्स लुथोर को मार दीजिए, तभी पूरी दुनिया में कहें तो सुशासन लाया जा सकता है। तो सुपरमैन जो होगा वो ब्रेनियाक के साथ अपनी शिप से हमला कर देगा व्हाइट हाउस पे। यहाँ पे फाइट शुरू ही होने वाली होगी कि लुइस वहाँ पे एक बॉटल्ड सिटी लेके आएगी स्टेलिनगार्ड की, वही स्टेलिनगार्ड जिसको कहें तो श्रिंक कर दिया था ब्रेनियाक ने। अब यहाँ पे सुपरमैन ये कहेगा कि मैंने बहुत सी कोशिश की थी लेकिन मैं इस टेक्नोलॉजी को ब्रेक नहीं कर पाया और स्टेलिनगार्ड को दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे ब्रेनियाक कहेगा कि सर रिस्टोर करने की टेक्नोलॉजी हमेशा से आपके पास थी लेकिन मैंने खुद कभी आपको ये नहीं बताया, यानी सुपरमैन को ये पता चलेगा कि ब्रेनियाक कभी रीप्रोग्राम हुआ ही नहीं था, उसने बेवकूफ़ बनाया सुपरमैन को और वो सुपरमैन को अपने इशारों पर चला रहा था ताकि सुपरमैन लोगों से वॉर करता रहे और ब्रेनियाक इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पे कंट्रोल करें।
अब ब्रेनियाक जो होगा उस स्टालिनग्राड सिटी का जो मिनिएचर होगा उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब सुपरमैन और ब्रेनियाक की यहाँ लड़ाई होगी, लेकिन ब्रेनियाक की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई होगी कि सुपरमैन उसकी शील्ड को तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन लेक्स लुथोर यहाँ पे अपने एडवांस्ड सूट आर्मर सूट को पहन के आएगा और दोनों लोग मिल के बैटल करेंगे और ब्रेनियाक को सुपरमैन हरा देगा। लेकिन वो जो शिप होता है ब्रेनियाक का, उसमें कहे तो ऑटो डेटोनेशन लगा होता है, यानी एक बॉम्ब जो ब्लास्ट हो सकता है। तो सुपरमैन उस बॉम्ब को स्पेस में लेके जाएगा और वो स्पेस में ही ब्लास्ट हो जाएगा। लोग समझेंगे कि सुपरमैन मर गया। अब हम देखेंगे कि लेक्स लुथोर जो है वो कहें तो प्रेसिडेंट की सीट से स्टेप डाउन हो गया है और उसने जिमी ऑस्टिन को कहें तो प्रेसिडेंट बना दिया है। और सोवियत यूनियन में सुपरमैन नहीं है, इसलिए वहाँ पर अब फ्री इलेक्शंस हो रहे हैं। लुईस लेन लेक्स लुथोर के साथ एक स्पीच में होगी, तब वो देखेगी पब्लिक में उसे सुपरमैन दिखाई देगा जो अपना भेष बदल चुका है, और फिर सुपरमैन वहाँ से चला जाएगा। तो ये थी हमारी स्टोरी सुपरमैन द रेड सन की। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी। DC फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।